दिल्ली पुलिस भर्ती 2021। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2020 वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और उनके अच्छे नंबर नहीं बन पाए हैं किसी न किसी कारण से। या तो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल 2020 में फ्रॉड हुआ है या फिर यहाँ पर पेपर के लेवल को देखते हुए अगर आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी तैयारी की उतने अच्छे नंबर मेरे नहीं बन पा रहे, तो भी दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2021 में फिर से बड़ा रिक्रूटमेंट आने जा रहा है और इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। और इस बार का जो रिक्रूटमेंट है आपका वो 10,000 पदों पर होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यहां पर 10,000 जो कांस्टेबलों का ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसको लेकर बड़ी अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 2021 में काफी ज्यादा जवान रिटायर्ड होने वाले हैं। तो इस बीच ये एक नई भर्ती दिल्ली पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा वो 10,000 पदों पर होगा और 12वीं पास रिक्रूटमेंट होने वाला है। इस बार दिल्ली पुलिस खुद आपका एग्जाम करवाएगी और सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में वापस बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि इस बार एसएससी ने जो एग्जाम लिया है उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट करवाया गया था, जिसके कारण कट ऑफ थोड़ी हाई रहने के चांसेस बन रहे हैं। जबकि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले एग्जाम में 2017 वाली भर्ती में मात्र 1 से 2 नंबर से रहे थे, उन कैंडिडेटों के इस बार 50-55 नंबर ही बन पा रहे। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? और जहां पर कट ऑफ की बात की जा रही है, तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके यहां पर 90 से लेकर 95 तक का भी स्कोर बन पा रहा है। क्या 2020 का दिल्ली पुलिस का एग्जाम किसी ने दिया है? क्या उसमें 90 से 95 स्कोर बन सकता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट नया आने वाला है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी अपडेट हम आपको बताएं। उससे पहले जो नोटिस आया वो प्रूफ में आपको दिखा देता हूं, जिसमें यहां पर 10,000 नए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने की बात कही गई है। तो चलो दोस्तों, देखिए सारी जानकारी। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आगे आने वाली दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी है दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया। बिल्कुल यहां पर आप देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस को चाहिए 10,414 जांबाज जवान, जिसमें मेल और फीमेल दोनों बताए गए। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताई है पूरी जानकारी। बिल्कुल दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुकी है। फिर से एक नया रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से करवाया जाएगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस में जांबाजों की संख्या काफी कम हो रही है। आबादी के लिहाज से दिल्ली पुलिस की संख्या में बड़ा इजाफा होना था, ढांचा बढ़ना था और दिल्ली पुलिस के स्ट्रेंथ 1 लाख तक पहुंचनी थी, लेकिन सरकारी कागजों में दिल्ली पुलिस की कई साल से मौजूदा टोटल स्ट्रेंथ 90,000 के लगभग है, और जो मौजूदा स्ट्रेंथ से भी काफ़ी कम होकर 79,283 हो चुकी है। यानी दिल्ली पुलिस में रैंक वाइज 10,414 खाकी वर्दी अपने जाबाजों के इंतजार में। बिल्कुल यहां पे ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है दोस्तों, इस सच्चाई का खुलासा दिल्ली पुलिस ने ही एक आरटीआई के जवाब में दिया है। नांगलोई के कंवर सिंह नगर निवासी एक महिला के नाम से 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय से भेजे गए रिप्लाई में बाकायदा रैंक वाइज स्वीकृत पद और वैकेंसी शॉर्टेज का फिंगर दिया है। इसमें यहां पर बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की रैंक पर कितने पद है और उनमें से कितनों को शॉर्टलिस्ट चल रही है। एक तरफ राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कई तरह के खतरे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो
सिक्योरिटी वे ढांचे से क्राइम कंट्रोल करना चैलेंज साबित हो रहा है। मौजूदा ढांचा में जहां 10,414 भारी भरकम जाबाजों की कमी है, वही कुछ रैंक ऐसे में हैं जिनमें स्वीकृत पदों से भी ज्यादा ऑफिसर तैनात है। इनमें 2 स्पेशल सीपी, 3 एडिशनल सीपी, 3 डीसीपी प्लस में तैनात है। सबसे ज्यादा शॉर्टेज कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल रैंक पर है, जिनके दम पर पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। एससीपी रैंक के 90 पद खाली बताए गए। बिल्कुल यहां पर देख लीजिएगा, अलग अलग आपको वैकेंसी बता देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल रैंक पर सबसे ज्यादा कमी चल रही है। आबादी के लिहाज से 1,00,000 होनी थी, मगर बढ़ने के बजाय घटकर 79,253 हो चुके। 2 स्पेशल सीपी, 3 एडिशनल सीपी, 3 डीसीपी तैनात, यानी स्वीकृत पदों से ज्यादा। पूरी बात कर लेते अलग अलग वैकेंसी के बारे में, तो सीपी के पदों की बात करें तो स्पेशल सीपी की 1 पद है, जबकि स्पेशल सीपी के 10 स्ट्रेंथ है, और यहां पर वैकेंसी शॉर्टेज 2 बताई गई है। जॉइंट सीपी की 20 है, जबकि वैकेंसी शॉर्टेज 4 बताई गई है। एडिशनल सीपी की 3 शॉर्टेज वैकेंसी बताई है। डीसीपी, जो एडिशनल डीसीपी है, उनकी 3 शॉर्टेज बताई है। एडिशनल डीसीपी की 37 है, एससीपी की 90 है, जबकि इंस्पेक्टर के यहां पर कुल स्ट्रेंथ है वो 1,425 है और 16 वैकेंसी शॉर्टेज बताई है। वही सब इंस्पेक्टर की 7,869 वैकेंसी यहां पर सेक्शन स्ट्रेंथ है, जबकि 985 वैकेंसी खाली पड़ी है। वही एसआई की बात करें तो 7,089 वैकेंसी है, जबकि 291 वैकेंसी शॉर्टेज है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो 23,085 सेक्शन स्ट्रेंथ है, जबकि वैकेंसी शॉर्टेज है वो 2,848 है। जबकि कांस्टेबल की बात करें तो 49,723 सेक्शन स्ट्रेंथ बताई गई है, जबकि 6,143 वैकेंसी शॉर्टेज बताई गई है। कुल मिलाकर 89,667 सेक्शन स्ट्रेंथ बताई है, जिनमें से 10,414 वैकेंसी शॉर्टेज है। तो ये रिक्रूटमेंट दोस्तों इस बार आपका दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा। जैसे ही आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह बड़ा रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से जल्द ही जारी किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दोस्तों किसी ने किसी दिल्ली पुलिस या एसएससी के जो पैटर्न के बदलाव, साथ ही कहीं कहीं फ्रॉड भी हुआ है, आपने देखा भी होगा न्यूज पेपर में, उन सब की वजह से अगर आप दिल्ली पुलिस में 1 या 2 नंबर से अगर रह जाते हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई वैकेंसी आपका फिर से इंतजार कर रही है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, अच्छे नंबर है, तो आप फिजिकल की तैयारी भी करें, साथ में यहां पर रिटर्न की तैयारी भी करें, क्योंकि नई वैकेंसी में भी आपको यहां पर अगर इस वैकेंसी में आपका नंबर नहीं आता है तो भी नई वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद यहां पे बन जाएगी। दोस्तों 12वीं पास वाले सभी कैंडिडेट इस भर्ती का अप्लाई कर पाएंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी राज्य के कैंडिडेटों के लिए इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों जैसे ही आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 की प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, नया रिक्रूटमेंट भी आपका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाले दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020-21 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट पाना चाहते हो, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।